हेल्प हेल्प हेल्प, जय माता दी, निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा। The ground's wearing thin, the curtain's now closing, it's quitting time, they say give it time, but I gave it all. এখানে একটু জল খাইলে ও আচ্ছা, এখানে চেকপোস্ট না, চেকপোস্ট চেকপোস্ট পারমিট নাম নাম সাইড মে পারমিট হামারে দোস্ত কে সাথ থা, বলো চলে গে। এক গ্রিন কালার কা ইনফিল্ড থা, শায়দ আপনি দেখা নি, বাস কে বিলকুল বাস কে পিছে থা, বলো চলে গে আগে। उनके बैग में था, हम लोग साथ में थे। हम लोग का दो बाइक, वो लोग चले गए, शायद आपने देखा नहीं, वो बस के पीछे होगा ग्रीन कलर का, वो लोग रुके नहीं चले गए। आना पड़ेगा ना, अभी कैसे रुके, उनको मोबाइल फोन भी नहीं है, इधर से दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग। नीचे नहीं जाने, सीधा जाने। तो अभी मैं बैठा हूँ शायोक चेक पोस्ट पे। एक्चुअली यहाँ पे परमिट दिखाना होता था, लेकिन हम लोगों के साथ एक पोपट हो गया। मैं था एक्चुअली हिमालयन पे, मैं हिमालयन चला रहा था, और मेरा जो दूसरा फ्रेंड है वो एनफील्ड लेके आगे निकल गया, उसने रुका नहीं और उसने परमिट नहीं दिखाया, और हम लोग पीछे थे तो हम लोगों को रोक लिया इन्होंने। तो अभी वो रिकी वो हिमालयन लेके गया है, वो उनको ढूंढ के फिर वापस लेके आएंगे, फिर हम लोग परमिट दिखाएंगे। No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you like to give yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging, reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. So, this is the first glimpse of Pangong Lake. Yo man, this is better than the dream. This is so beautiful. I don't know whether the camera is doing justice, but wow man, this is damn beautiful. So finally we have reached Pangong Lake. It's really beautiful, and best part ये है इस lake का कि इसमें हर आधा घंटा एक घंटे में time के साथ साथ ये color change करता रहता है, और वहाँ पे हम लोगों का room है। और अभी एक काम करूँगा, अभी just पहुँचा हूँ तो अभी फ्रेशन अप होके थोड़ा सा खाना वाना खा के, क्योंकि सुबह से सिर्फ एक मैगी खाया और कुछ नहीं खाया, तो अभी थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर हम लोग जाएंगे नीचे एकदम लेक के पास। एंड दिस इज़ आवर रूम, सो इट्स अ फोर बेडेड रूम, एक्चुअली इट्स अ डबल बेडेड रूम, सो दे हैव इंक्लूडेड वन मोर एक्स्ट्रा बेड। एंड ये हम लोगों को पड़ा 1400 रुपये में, तो विच आई फील इट्स अ गुड डील। व्हेन वी गो आउट दैट्स द व्यू। आई कैन स्टे लाइक दिस फॉरएवर फॉलोइंग यू, जस्ट डोंट गेट टू फार।
गुड मॉर्निंग. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एट पैंगोंग. तो कल हम लोग पैंगोंग पहुँच गए थे अराउंड 5:30 और उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए और थोड़ा सा लेक घूमे थे और उसके बाद इतना थक गए थे तो हम लोग रूम पे आके सो गए. तो मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया. तो हाँ, दैट्स इट. दैट वॉज आवर जर्नी फ्रॉम नुब्रा टू पैंगोंग. आई थिंक ये अब तक का मेरे ज़िंदगी का सबसे मुश्किल राइड था. बहुत लंबा नहीं था, 140 किलोमीटर था, लेकिन रोड्स इतने टफ थे, स्पेशली दैट वाटर क्रॉसिंग. तो आप लोगों ने अब तक वीडियो में देखा ही होगा, इतना मुश्किल था. और एक जगह पे मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया था. वहाँ पे पता नहीं मैं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बहुत बुरी तरह से फंस गया था. निकलने में मतलब हालत ख़राब हो गई थी. तो हाँ, ये एक एक्सपीरियंस है अलग तरह का. मज़ा भी आया, डर भी लग रहा था और अल्टीमेट एडवेंचर भी था. तो यही था हम लोगों का नुब्रा टू पैंगोंग का स्टोरी. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो. ये मतलब इतना टफ सिचुएशन के लिए तो लाइक बनता है. तो प्लीज़ लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड देन आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, सी यू.